भैया मास्टर बजौलन है, देख रे छोटकी ननदी। ननद भौजाई के बड़ा प्रसंग पुराना है, और ये दुनिया जबले जिंदा रही, इस समाज जबले जिंदा रही, तबले ही ननद भौजाई के झगड़ा खत्म ना हुई। अरे भैया वो झगड़ा ना होला, प्यार होला, मोहब्बत होला। लेकिन आपके हम लेके चलत है कहा झगड़ा में बा। और झगड़ा वहाँ के हो, आपके ले चलते हैं पुरातन काल में। एक युद्ध भइल रहल, राम रावण युद्ध, त्रेता युग में। वहां का आपको हम उन वीरों से और उन शक्तियों से परिचय करा रहा हूं। अरे जी अच्छे बाबा सदा। आए रामा हो राम, तो मन व्यथा से व्यथित हो गया राम का। क्या बहादुर, मन व्यथा से व्यथित हो गया राम का। व्योम दिन कर से खाली सिसकने लगे, भारी सेना समर बीच मूर्छित हुई। धर्म लक्ष्मण का उस दम सिसकने लगा, और शक्ति दशानन के तब बल में रण में रघुबर की सेना धराश हुई। कोई चारा नहीं चलता श्री राम का, भारी चिंता हृदय में प्रकाश हुई। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जो समाज के सारी मर्यादाओं का उन्होंने अपने जीवन काल को दर्शाया, हे मानव तुझे कैसे रहना है, इसलिए उन्हें कहा गया है, संसार को सिखाया है उन्होंने। मर्यादा पुरुषों में उत्तम अगर कोई व्यक्ति था तो भगवान श्री राम थे। लेकिन इन मानव जीवन को उन्होंने एक सीख दिया। क्या दिया? जिस समय रावण अति का भला न बोलना, मैं बार बार कहता हूँ अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अरे अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप। किसी भी चीज की अति जो होती है वह नहीं होनी चाहिए। रावण ने जो है सारी देवी देवताओं का पाठ पूजा साधना करके वरदान हासिल कर लिया, उसे अभिमान हो गया। शंकर जी का कोठियो हड़प लाला है। लेकिन अति का भला न बोलना, अति का भला ना चुप, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए, अरे मन की आपा खो, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। अरे जिया से कह रही मैं कैसे निभे, कह रही मैं कैसे निभे, अरे बेर कैर का संग वो रस ढोलत आपने उनकर फाटत अंग। लेकिन कभी लिखला ने को लाइन लिखला, सुंदर लाइन लिखले, उनका लिखले हुआ। अरे जिया से हे मानव भरोसा करने योग्य कौन है इस संसार के अंदर। लिखा कवि ने की भरोसा कर लिया जिस पे उसी ने हमको लूटा है। कर लिया जिसपे, किसपे किया भरोसा, की भरोसा कर लिया जिस पे उसी ने हमको लूटा है, उसी ने हमको
है। अरे अरे कहाँ तक, अरे वहाँ तक, जहाँ तक नाम गिनवाऊ सभी ने हमको लूटा। लेकिन कभी लिखत हूँ की जहाँ तक अरे नाम गिनवाऊ सभी ने हमको लूटा है। लेकिन देखा क्या बढ़िया शब्द है, कहना है क्या की तपस्या की तपस्या कर लिया जिसने तपोबल उसने पाया है। 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 तो तपस्या कर लिया जिसने तपस्या कर लिया जिसने तपस्या कर लिया जिसने तपोबल उसने पाया है। तपोबल उसने पाया है। सतो जुग सतो गुणे सतगुण अवगुण चिरगुण निर्गुण सरगुण बड़ा गुण होला चार। तो सतो गुणे सतो गुणे साध जीवन में तपोबल उसने पाया है। सतो गुणे साध जीवन में तपोबल उसने पाया है। साध गुणे तपोबल उसने पाया है। ला ला रे ला रे ला रे ला रे ला ला रे ला रे ला ला रे ला रे ला रे ला रे ला रे ला रे लंका नरेश रावण ब्राह्मण कुमार था। दो कर रहा जाता योद्धा जुझार था। तमाम साधना कर शक्ति को वह पाया था। बड़ा साधना के लिए रावण का तमाम साधना कर शक्ति को वह पाया था। शंकर का किया भक्ति उनको भक्ति को रिझाया था। मानस पटल में उसके क्या हुआ, क्या हुआ? कि मानस पटल में उसके अभिमान भर गया। मानस पटल में उसके अभिमान भर गया। सीता को हरण कर लिया दुष्काम भर गया। कितना तपोगुण सतोगुण साधना कई के रावण अर्जित कैलस क्या बुरा काम कैलस। अबला तेरी हाय कहानी आंखों में आंचल में दूध है आंखों में पानी। ओम प्रकाश भैया बड़ी भावुक व्यवस्था में कहले ने का कहले भैया कि अबला तेरी हाय यही कहानी आंचल में दूध है आंखों में पानी। सीता का हरण कर लिया। रघुबर किए चढ़ाई सेना जुझार संग में। रघुबर किए चढ़ाई सेना जुझार संग में। सेना न पार पाई रावण से लड़के जंग में। जोरा समय कहानी पीछे दर्शावला हमार वेद पुराण बतावला। तो हर वेद पुराण बतावला भैया कह के ही वरदान मंगले रहली राजा दशरथ से। एन मौके पे हम मांगले पुत्र की लालसा पुत्र की मोह। संसार जीवन का एक लीला बा सबके सहे के पड़ाला। यह करके भगवान राम देखोली हुवन कह के ही सोचली हमार लड़का छोट हुवन राम बड़ा हुवन उनकी राजगद्दी मिली। कहे नहीं बर मांग करके इनके विद्रोह कह दे हमारा लड़का राजा बन जाओ राजगद्दी पर बैठ जाओ। संसार के नियम हो हर घर में ही होला।
मोह लालच बढ़ जाला मोह लालच बढ़ जाला पुत्र मोह बढ़ जाला बहु मोह बढ़ जाला संसारी नियम हो लेकिन सीता के वनवास मांग ले ली भगवान राम सीता के लेके निकल गए हो तमाम कहानी पीछे आप सुन ले हवा जानत हो रामायण के बारे में लेकिन बात यहाँ के हो कि जब लेके रावण चुरा ले गई हो भारी सेना भालू बंदर नल नील तमाम योद्धा उनके साथ रहे चढ़ाई किए क्या राम की सेना धाराशायी होने लगी बहादुर महान प्रतापी रावण महाशक्ति माँ दुर्गा की साधना करके शक्ति अर्जित कर लिया था क्या? राम की सेनाओं को प्रहार करने लगा उसकी सेना और राम प्रहार को रोक नहीं सके धराशायी होकर के रणस्थल में गिरने लगे। भगवान राम ने सोचा चपल रहा कि मुक्ति कैसे मिलेगी इस रावण से पार कैसे पाऊंगा। माँ की याद आई ममता की कहानी बड़ा जोर से संसार में कह जाला कैसे माँ की ममता के साये में सागर की गरिमा सुख पे है बरसाती माता। अरे माता के जड़ से उत्तीर्ण होना मुश्किल साक्षात देवी कहती है माता। भगवान राम के अपन माई याद आई कि माँ दुर्गा की आराधना करब साधना करब चल दे सरोवर किनारे का तर कैले का हुआ बाबा बाबा देखा लचकदार है कलकत्ता बड़ा पुराना शहर हो हमने इनको मर कहा कलकत्ता के शहर जितना पूर्वांचल वासी रहल हुआ कलकत्ता लोग जात रहल विदेशी ठाकुर जी के नाच कलकत्ता बड़ा मशहूर रहल वही बंगाली रहत अली सब कैसे भैया भरमा ले तली जनता के भोले भाले जनता के तो वही बंगाल में एगो देवर बा घरे भैया बा बहरे हम अपन मेहरारू कतो ने छोड़ के जा भैया के चिट्ठी लिखा था का लिखा था भैया के कैसे बाबा बाबा कहा था का आए कि हमारे भौजी का मन माप अरे बिहार से गई हंसी गई ले सखी बहुरा लया साधना सरोवर तीरे अरे देख के ध्यान हो साधे साधना करे वाला है ही और यहाँ फूल के जरूरत लगी अगर हम साधना में बैठ जाए फूल कहाँ से ले आए एक हमारे ऊपर
करा सरोवर से फूल तोड़ के ले आवा, हम माई दुर्गा के साधना करी। कैलन का हाँ भैया फूलावाली आए कपी, अरे फूलावाली आए कपी, अरे ते ही छानवा हो साधे साधना सरोवर पीछे, अरे देखे ध्यान आदेश अनुसार हनुमान जी चल दिले वहां सोमर से फूल ले आवे। कवि लिखलन का आए कि एक सौ आठ मंत्र बाबू, एक सौ आठ मंत्र, एक सौ आठ वहां फूलावा हो, अरे प्रतिदिन चढ़ावे राम देवी के सतमी बीत ले आईल, अरे अष्टमी के दिन, अरे महाशक्ति आईली छोड़ी ओपनो एक फूल माई दुर्गा लहली चोराई तब और देखे जब राम दुखित भइल माई दुर्गा। बहुत समार की भगवान राम प्रतिदिन 107 फूल चढ़ावत रहलन, अष्टमी के दिन माई दुर्गा परीक्षा ले ले है और हवा के रूप में आके वो फूल उड़ा ले गए। भगवान राम के जब आंख खुलल हो वो समय देखत हवन एक फूल गायब बा, चिंता हो गई। का चिंता हो गई का कि अगर हम यहाँ से उठत है तो पूजा खंडित होई, हनुमान हुए ना पूजा होई कैसे, कैसे हो? कैलन का का अरे जिया से यहाँ को तर लगेली मास्टर जब शादी ब्याह होके कैसे कहा भाई लोग डोली उठावे, पहले डोली में दुल्हा और दुल्हन आवत रहली, हम डोलिया माल लली हमर दुल्हनियो भग भगवरी डोलिया हम एक का पाल लली डोली में जब दुल्हा दुल्हा में कहार भाई लोग खम्भा लगाए दे और खम्भा लगा के जहाँ देखे दुल्हन खेते में कटिया उटिया करत या कुछ करत तो मजाक कह के बोले और मजाक कह के बोले तो दुल्हनियों बड़ी कुल औसन रहली से अचरा एगो हटा दे अकेले देख के जब अचरा हटा दे तो कुल मजाक करे कहे का अरे हो माने सुंदर होला कि हे हो वाला बेली पर खोई छवा तो एगो भेली एक मंगनिया दे तू एक मंगनिया दे तू तू हके दिहले बागो सहिया एक मंगनिया दे तू लेकिन देखा
भगवान राम का कैले हुआ। बहुत सुंदर बात कवि लिखले हुआ काव्य के माध्यम से कि 107 फूलवा 107 फूल गिन के राम चढ़ावन कि 107 फूलवा चढ़ावन चरणवा तब नयनवा देखना तब नयनवा देखना। भगवान राम 107 फूल चढ़ा के जब निहारत हुवन ते वो फूल गायब बा तब नयनवा देखना फूल लौके ना समनवा तब नयनवा देखना फूल लौके ना समनवा तब नयनवा देखना फूल लौके ना समनवा तब नयनवा देखना तब नयनवा देखना फूल लौके ना समनवा तब नयनवा देखना फूल लौके ना समनवा तब नयनवा देखना। अरे बिन फूलवा के पूजा खंड होई जाई है जाते हैं तो पूजा खंडित होती है और हमारी जो है आराधना यह पूरी नहीं होगी। तबले याद आइल बहुत बड़ी बात का? राम के याद आइल का कि तबले याद आइल उनके माई के कथनवा तब नयनवा देखना तब नयनवा देखना फूल लौके ना समनवा तब नयनवा देखना माई उनकर कौशल्या जी जोना समय छोट रहलन वो समय उनके अखिया देख के माई कौशल्या कहली राजीव नयन। राजीव शब्द के अर्थ होला कमल और कमल के तरह भगवान राम का नयन रहल। भगवान सोचलन श्री राम सोचलन कि अगर कमल के तरह हमार आंख हो तो अखिया चढ़ा दे तो कमल रूपी भगवान सोचत हुमन माई दुर्गा के चढ़ा दे तो कमल भी फूल होला माई स्वीकार के लिए हमार पूजा हो जाई सफल हो जाई। कैलन का यहाँ तर्ज लगेलू है तर्ज जो है हमारे गोरखपुर में गावल जाला एक बड़ा धूमधाम से आए हैं। अरे चुप रहले का काले बबोला हो चुप रहले कभी लिखे ले हुआ थोड़ा सा के लाइन चेंज कर दिलों का यारे हमारे झूलानी यारे हमारे झूलानी पे बैठे मैना चिराई उड़ा वाले ना
कल यवन अरे फूल लौके न हो निकले काले बोला रे संगतिया भी बतिया हमरे सरया भगवान का तो फूल लौकत ना है पूजा कैसे चढ़ी एक फूल गायब हो कि सोचे मनवा में हो सोचे मनवा में अब घुराई लड़ाई कैसे जीतल जाई हो खंडित हो जाती है लड़ाई कैसे जीता बा तो मैं यह लंका की युद्ध कैसे जीतूंगा लेकिन कहले का हुमन क्या भैया कि बालेपन के बतिया जिगर में समाई विकट संकट में सहारा बन जा याद करत हुन माई के कैसे कहलन का ये साधक मनवा में हो साधक मनवा में हो साधक मनवा में चेतना सजाई लड़ाई कैसे जीतल जाई हो और याद जब कैले हुन यहाँ के भाव लगे मास्टर आए अरे राम सहनाई सहनाई बिन सरगम की बज गई हाँ सहनाई बिन सरगम की बज गई हर्षित हुए राम झड़ धनुषा लिए उठाई अरे उठाई अरे उठाई जाओ मानस में लिखा है क्या एक कमल राखो प्रभु जोई कमल नयन पूजा चौसोई तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कमल समान दो नैना मेरे भगवान राम कह रहे हैं का? कमल समान दो नैना मेरे उनको फूल बनाऊंगा माई से बड़ा संसार में केहू ना हो चाहे आदि शक्ति माँ हो दुर्गा माँ हो
काली माँ हो या हमारी छोटी सी माँ, माँ तो माँ है। भगवान राम कल्याण का कमल समान तो नैना मेरे उनको फूल बनाऊंगा, पंडित पूजा कैसे होगी उनको एक चढ़ाऊंगा। कल हमरे दू का आंख बा, एगो माई के चरण में अर्पित करे तब एक आंख से लौकी। अरे वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने दुनिया को दिखाया कि अपंगता अभिशाप नहीं है, मनुष्य अपने को जी सकता है। स्मरण करके मां शक्ति की, अरे स्मरण करके मां शक्ति की तरकस से बाण निकाले हैं, अरे चढ़ा लिए पिनाक की डोरी भक्ति में मत वाले हैं। तरकस से बाण भगवान राम ने निकाला और डोरी चढ़ा दे ले, आंख निकाल के माई महाशक्ति के चरणों में अर्पित करने के लिए तौले माई कैलिन का पहकट के लाइन लगे। अरे लिए अब लिए चढ़ाई धनुषा ऊपर बाण सानना जाई हो, सानना जाई हो, अरे पूरा हुई है दिल का जब अरमान सानना जाई हो, पूरा हुई है। जोना समय चढ़ा देले हुआन होश हवास माई दुर्गा के गुम हो गई बा। बिल्कुल सही। तो माई दुर्गा के होश हवास गुम हो गई बा, माई दुर्गा लाचार हो गई, कहे से विष पियनी है, जहर पीने वाली माँ है, सब कुछ पीने वाली माँ है, तो माई हो ले, चाहे गंगा माई हो, चाहे संसार का माई हो, शक्ति माई हो, चाहे इनकर माई हो, माता को माता नहीं हो सकती है, पूत का पूत तो कहलन का है। एक हाथ से धनुषा एक से आपन बाड़ा संहारे हो, अरे खींच के डोरी चले छोड़ने, अरे दशरथ राजा दुलारे हो, जोना समय बाण तरकुश तरकस से निकाल के चढ़ो ले मंडोरीन पर वो समय, अरे अंबर का पल में दरी कर गुनान सान ना जाई हो, अरे सान ना जाई हो, अरे दर्शन दे के दुर्गा लियाली थाम सान ना जाई हो। दयावंती होती है, दयामयी होती है, जब ही उनकी आज पूजा होती है, लेकिन कुकर्मी बेटा कुछ होलन जो माई के दर किनार गई के वृद्धाश्रम में डार देलन, कल हे बुढ़िया तोर यहाँ गुजारा ना हो, हम फाइव स्टार होटल में रहे वाला हूँ, आज कल युग के समाज बाप, लेकिन बाह बात बात जब बाप जब ऊपर अमल करे दुनिया तब, कहने का अर्थ यही है माँ तो माँ होती है। कहल गई कभी लिख ले मन का, आए है अलग भाव लगे मास्टर, सिंगाया
अष्टमी बीत गई, नौमी बीत गई, दसवीं के दिन आ गए। गाने के अंदर एक नया मोड़ मिली आप लोगों के समाज के अंदर कि दसवीं विजय दशमी मनावल काहे जाले। कभी लिख ले हमन कि शक्ति साधना के राम पाए उसे बार। भगवान राम ने पुनः जो है शक्ति साधना करने के बाद लंका नरेश रावण के प्रांगण में चढ़ाई कर देता है, कर देते हैं कैसे। और जोन समय चढ़ाई कर दिले हनुमान जी उनके साथे हुन, भारी जंग छीड़ल वही लंका के धरतिया भारी जंग छीड़ल होते हुए वीरों की लड़ाई जंग जारी है। जो भगवान राम को विभीषण ने बैठ के दूर से इशारा किया कि माँ शक्ति का बाण रावण का प्राण नाभि में बसता है। इशारा पाके भगवान राम का कहले वन, अरे पाई के इशारा अरे राम छोड़े बनवा, अरे गिरल बात सानन होई रण बीच जाए बोला गिरल बात। बुढ़ापा गेल भाई कोनो बात ना, चलो बात समझ आवे के चाहिए। कभी लिख ले हमन दशानन घर का भेदी लंका ढहा है। कहावत कहा गया है भाई ही भाई का दुश्मन है, भाई ही भाई का दुश्मन है। संसार सागर हो भैया, हर तरह का जीवन जिए के पड़ाला। ये देखाओ ले के हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम देखो लो, सब कुछ यही है। यह है दुनिया उसी रास्ते पे चलती है जो उन्होंने करके दिखाया है। सही बात है। लाल प्रमाण में कभी लिख ले हूं भाई का, आए आए अरे गिर गया अंदर, अरे देखा हाय 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 हाय। कभी लिख ले हूं गिर गया अंदर, दस कंधर चौमुख घेरा भालू बंदर, लंका के नगरिया मचलवा खलगली। वही राम की सेना एक समय में धराशायी हो रही थी, लेकिन माँ शक्ति की ऐसी शक्ति भगवान राम को बलशाली बना दी और वही सेना जीत के मुहाने तक पहुंच गई। रावण मारा गया, भगवान राम का कैलन विजय पाए श्री रामचंद्र जी चले सियाले साथे। विजय पाए श्री रामचंद्र जी चले सियाले साथे।
लंका नरेश विभीषण बनला ताज सोहेला माथे अरे हाथे सत्ता के रसरिया मचलवा खलबल भगवान राम बाबिया विभीषण को वहां का राज तिलक करवा करके अपनी अयोध्या को प्रस्थान करते हैं। यहाँ क्या हालात है? क्या है भैया? बार मास्टर बिता के 14 साल राम जब अवधपुरी में आए बिता के 14 साल राम जब अवधपुरी में आए सब बिहबल हो के घर घर दीप जलाए भगवान राम के खुशी में पूरा अयोध्या को फूलों से दीपों से सजाया गया जिसका प्रमाण मिलता है कि आज तक उस परंपरा को हम निभाते हैं और 2 महीना बाद आने वाली दिवाली बाद 2000 कहना भैया कि बिता के 14 साल राम जब अवधपुरी में आए का पौलन अरे तो पाए रघुबर के दीदरिया मचलवा खलबली लंका पर विजय पा करके अयोध्या नगर में आए यहाँ स्वागत होने लगा और विजयी पुरुष का वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कवि लिखे हैं। क्या लिखे हैं कि पंधारी गुरु महादेव जब धोबी ताना मारी पंधारी गुरु महादेव जब धोबी ताना मारे चरण बनवास बा देखा दूसरी बारी की सहनाई बिन सरगम की बज गई याद राम हर के रक्षक कुंवर कन्हाई रे सहनाई